प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आप जानते ही हैं, हमारी वो श्रृंखला है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात पर आधारित होती है। यानी प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात में हर महीने हमसे तमाम चीजें साझा करते हैं, हमारे लिए बहुत प्रेरक होती हैं, जानकारी वाली भी होती हैं और हमें उससे दिशा भी मिलती है। उन्हीं में से कुछ बिंदुओं को लेकर हमें अवसर मिलता है कि हम आपसे चर्चा करें, बात करें, ऐसे लोगों से बात करें जिनके बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने बात की है। और आज ऐसे ही एक बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए मयूर पाटिल हमारे साथ होंगे इस कार्यक्रम में। मयूर के साथ साथ उनके कुछ दोस्त भी हैं जो उनके इस सफर में, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसमें वो शामिल रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि उनको भी हम आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएं। हो सकता है बहुतों को याद हो मयूर पाटिल नाम पुणे से, और जिन्होंने ना सुना हो या जिनको अभी याद ना हो, मैं चाहता हूं कि आप उस रेफरेंस को जरूर अपने दिमाग में रखें। और इसीलिए आइए पहले प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा हम सुन लेते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी ने मयूर पाटिल से बात तो की ही थी, लेकिन उसके पहले उसकी पूरी भूमिका जो उन्होंने बताई थी वो भी बहुत प्रेरक थी। आइए सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, युवाओं से समृद्ध हर देश में तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं और वही तो कभी कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है। पहली चीज है आइडियाज और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा, और तीसरी है कैन डू स्पिरिट, यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। आजकल हम चारों तरफ सुनते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, सही बात है, ये स्टार्टअप का युग है। और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है, ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है, आप सबने इसके बारे में सुना होगा। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। साथियों, साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉर्न हुआ करते थे। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाव आया है, सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। साथियों, स्टार्टअप की इस सफलता के कारण हर किसी का उस पर ध्यान गया है, और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है, शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। साथियों, स्टार्टअप्स के जरिए भारतीय युवा ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं। आज हम एक युवा मयूर पाटिल से बात करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है। तो सुना आपने मयूर पाटिल ने किस तरह से स्टार्टअप के जरिए एक ऐसी शुरुआत की है जो बहुत सारे युवाओं के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा बनती है और बनी है। दरअसल जनवरी 2016 में जब स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, एक बिल्कुल नई तरह की चीज थी। उस समय बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री स्वयं बार बार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उस पर जोर देते रहे कि हमारे युवा, जिनके पास ऊर्जा भी है, जिनके पास रिस्क लेने की क्षमता है और जिनके पास बहुत सारे नए नए आइडियाज हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो या सर्विसेज को लेकर हो, वो आगे आए। और ऐसे ही हमारे युवाओं में से एक नाम जिनसे बात की प्रधानमंत्री जी ने, मयूर पाटिल, वो इस समय हमसे जुड़ चुके हैं पुणे से टेलीफोन लाइन के जरिए। मयूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर। वैसे तो कई दिन पहले बात हुई थी प्रधानमंत्री जी की आपसे, लेकिन अभी भी आपके बारे में लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। मुझे लगता है अभी भी लोगों को बहुत उत्सुकता होती होगी आपके बारे में जानने की और आपसे बात करने की। काफी लोग आपको कॉन्टेक्ट करते होंगे मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल,
मन की बात के प्रसारण के बाद काफी ज्यादा कॉल्स आए और काफी ज्यादा मीडिया हाउसेस से और न्यूज चैनल से भी कॉल्स आए हैं। तो मन की बात का सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ है कि जो मार्केटिंग हम लोग करना चाहते थे वो अपने आप में ही एक मार्केटिंग हो गई है। बिल्कुल सच बात है और चारों तरफ इस बात की चर्चा है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं या हम सबका सौभाग्य है कि आपके बारे में उन्होंने बात की, लेकिन उसके पीछे की वजह भी है मुझे लगता है मयूर, क्योंकि आपने जिस प्रोडक्ट को लेकर एक स्टार्टअप शुरू किया उस प्रोडक्ट के पीछे आपका उद्देश्य मुझे लगता है सिर्फ ये नहीं था कि एक प्रॉफिट कमाना है या आपको कोई काम शुरू करना है, बल्कि आपकी उस सोच के पीछे समाज भी था। जिस तरह से पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को भी इसमें सॉल्व करना चाहते थे जो एयर फिल्टर आपने डेवलप किया, तो ये यात्रा ऐसी है जिसमें आपका अपना हित तो है लेकिन देश का और समाज का भी हित है और यही कारण है जिसकी वजह से आज आपका नाम चारों तरफ चर्चा में है। अपनी यात्रा के बारे में बताएंगे आप कैसे कैसे ये शुरुआत हुई थी जो एयर फिल्टर आप लोगों ने डेवलप किया? कॉलेज में जब मैं था तो मैंने एक मेरी पसंदीदा मोटरसाइकिल खरीदी थी जो टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल है, उसका क्योंकि फायरिंग बहुत अच्छा है, उसका आवाज बहुत अच्छा है मोटरसाइकिल का और वो टू स्ट्रोक होने के कारण पावरफुल गाड़ी है जो कि 200 cc फोर स्ट्रोक मोटरसाइकिल के बराबर की पावर देती है वो गाड़ी। अच्छा, सो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे तो, मयूर आपको तो बाइकिंग वैसे भी बहुत पसंद थी शुरू से मुझे लगता है। जी, बाइक्स चलाना आपको बहुत अच्छा लगता था और इसीलिए आपने फिर अल्टीमेटली ये बाइक खरीदी जो आपकी इच्छा थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी। हाँ, उसका फ्यूल एफिशिएंसी जो हम बोलते हैं पर लीटर किलोमीटर ट्रैवल करना वो बहुत कम था, सो 16 किलोमीटर का एफिशिएंसी देती थी सिर्फ। अच्छा, फिर मैं सोचा कि यार मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ और एक मैं चाहता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही मेरा आगे का करियर हो, तो इसे लेके मैं उसे किस तरह से चेंज कर सकता हूँ कि कम से कम जो बाकी टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स का एवरेज मिलता है वो मैं करीब करीब वहां तक पहुंचूं। तो मेरा अल्टीमेट गोल था सिर्फ 40 किलोमीटर पर लीटर तक जाना है। अच्छा, पूरा इंजन का खुद ही काम करने के बाद में, गाड़ी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद में मुझे पता चला कि 35-36 किलोमीटर पर लीटर तो मुझे अभी मिल रहा है। अरे वाह। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इससे कुछ और आगे किया जाए जिससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। एक आइडिया तो ये थी कि अगर मैं टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल का एवरेज बढ़ा दूंगा तो करियर तो एक फिक्स हो जाता है कि शायद मैं एक बहुत ही रिनोन्ड और बहुत ही अच्छा मैकेनिक बनूंगा और जहां पे भी मैं अपना गैराज चालू करूंगा तो लोग मेरे पास आएंगे, बोलेंगे कि मेरे गाड़ी का माइलेज बढ़ा के दो। अच्छा, तो जो हमारा ग्रोथ है वो वहीं पे लिमिट हो जाता है कि मैं सिर्फ मैकेनिक ही बन सकता था। फिर मैंने सोचा कि अगर इस तरीके को, इस आइडिया को किसी और चीज से यूज किया जिससे फोर स्ट्रोक गाड़ियों का भी माइलेज बढ़ सकता है और पोल्यूशन भी कम हो सकता है, तो वहां से स्टडी करना चालू किया कि इसमें कौन से टाइप के फ्यूल इंप्रूवमेंट डिवाइसेस आते हैं, कौन से वाले काम करते हैं, कौन से काम नहीं करते हैं। फिर मुझे पता चला कि कोई भी चीज को आपको ज्वलनशीलता अगर चाहिए तो उसमें तीन चीजें होती है, हवा, स्पार्क, फ्यूल। जी, सो ये तीन चीजों में मैंने खोजना चालू किया, रिसर्च करना चालू किया तो पता चला कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स में काफी सारा इनोवेशन हो चुका है, स्पार्क इग्निशन सिस्टम्स में काफी सारा इनोवेशन हो चुका है और एयर एक ऐसा चीज था कि जिसको किसी ने सोचा नहीं इनोवेशन के बारे में। काफी लोगों ने सोचा कि इसको सिर्फ अगर इंजन में हवा ज्यादा जाएगी तो ईंधन अच्छा जलेगा और हमें फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी, तो काफी लोगों का वहीं तक एक थॉट प्रोसेस जो है, एक विचार है, वो सीमित था। जी, तो जहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करने का शुरुआत किया, वो कोशिश किया कि इसमें कुछ कर सकते हैं, अगर इसको ऑटोमाइज कर सकते हैं या इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एयर को किसी तरह से, वो रिसर्च मेरा वहां से चालू हुआ 2012 में और बाय द एंड ऑफ 2012 वो मैंने मेरे यामा RX 100 पे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, तो उस समय तक कितने किलोमीटर तक पहुंचे थे आप? 62 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा जी, तो ये रिसर्च में मैंने काफी सारे चीजें सीखी जो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीखने को नहीं मिली थी। जैसे कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कि कौन से कंपोनेंट्स को यूज करने के बाद और कौन से दो द्रव्य को मिक्स करने के बाद किस तरीके का हमें आउटपुट मिलता है, तो
जो कंपनी का जो एयर फिल्टर का क्रक्स जो है वो है आयोनाइजेशन में। आपने सुना होगा कि आयोनाइजेशन के काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं जो कार में लगा सकते हो, आप घर में लगा सकते हो, जिससे नेगेटिव आयोन्स जनरेट होते हैं और वो सेहत के लिए अच्छे है। आइडिया यही था कि जो हमारे पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल है अबंडेंस में काफी सारा है, तो उसको यूज करके कोशिश करना है था कि फिल्ट्रेशन एलिमेंट इज वन थिंग, कि आपको 99% डस्ट को फिल्टर करना होता है अच्छा गाड़ियों में, और एक दूसरा एलिमेंट होता है कि नेगेटिव आयन जनरेट करना, जो हमारा रिसर्च था। तो मैंने ऐसे काफी सारे फुटबॉल की जर्सी यूज की हुई, शायद इसमें से होगा, फुटबॉल की जर्सी कट करके उसमें लगाया, फिर कॉटन यूज किया, वूल यूज किया। जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग का सोचा वो चीज के बारे में या इंपोर्ट करने का सोचा, तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, तो वो ना मेरे लिए सही था ना उसका प्रोडक्शन कर पाना सही था, बिकॉज फॉर अ स्टार्टअप वी समवेयर वी हैव टू बी ऑन अ लीन स्केल। रॉ मटेरियल आपका थोड़ा सस्ता हो, उसमें से आप थोड़ी से सस्ती चीजें बना के लेके आ सकते हैं, बाजार में बिक भी सकती है। जी जी, श्रोताओं कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में पुणे से मयूर पाटिल सीधे हमसे जुड़े हुए हैं, और मयूर ने एक खास तरह के स्टार्टअप के जरिए जो अपना प्रोडक्ट तैयार किया, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में की, और मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने मयूर से बातचीत भी की, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं विस्तार से उस पूरी प्रक्रिया के बारे में, जिस प्रक्रिया से होकर वो इस स्तर तक पहुंचे और आज एक नाम है उनका, काम उनका देश भर में पहुंचेगा ही और दुनिया भर में पहुंचेगा। मयूर, जो आपने शुरुआत की थी अपनी बाइक की एवरेज ठीक करने के लिए, जो आपके पास बाइक थी, वैसे वो जेब पर भारी भी तो पड़ता होगा ना, क्योंकि स्टंट लाइफ में इतने पैसे होते नहीं है कि आप ज्यादा अगर कंज्यूम करता है बाइक आपका जो फ्यूल है, तो आप उतना अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इसलिए आपने ये आविष्कार करने का सोचा और आगे बढ़ते चले गए। स्टार्टअप के बारे में तब आप जानने लगे थे या अभी परिचित नहीं थे आप स्टार्टअप प्रोग्राम को? नहीं नहीं। अच्छा, स्टार्टअप्स के बारे में कुछ पता नहीं था कॉलेज में। हाँ, बट हमारा एक खुद का कंपनी भी था कॉलेज में, हम लोगों ने चालू किया था। अच्छा। सारे स्टूडेंट्स ने मिलके 7-8 ऑफ अस, और वो खाली रोबोटिक्स के लिए हम लोगों ने एक कंपनी चालू किया था। अच्छा। तो वहां से कुछ आइडिया था अगर आगे जाके कंपनी चालू करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है और वो किस तरह से कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों होना चाहिए, तो ये सारी चीजें मुझे कॉलेज में ही पता चल गई थी, लेकिन वो टाइम पे ये नहीं पता था कि इसे स्टार्टअप बोलते हैं। अच्छा, आप तो वैसे शुरू से प्रोडक्ट डिजाइनर बनना ही चाहते थे, है ना? जी। तो ये जब आपने जो एक कहना चाहिए कि जमीनी स्तर पर थोड़ी उसकी तैयारियां की, आपने उसके एक्सपेरिमेंट्स भी किए, आपने उसके बाद मैंने सुना कि एक हो सकता है कि आपने जो भी प्रोटोटाइप बनाए होंगे फिल्टर्स, उसको लेकर आपने वहाँ जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसके साथ भी संपर्क किया उनके बसों में यूज करने के लिए? जी हाँ जी हाँ। सो 2017 में जब हमारे पास में वो टेक्सटाइल मीडिया बन के आ गया, जिसे हमने खुद अपने घर में ही बनाया था। अच्छा। मैंने और अक्षय ने, तो उसमें से हम लोगों ने टेस्ट करना चालू किया, फर्स्ट वी पुट इट ऑन आवर व्हीकल्स। मेरे पास में तब और एक गाड़ी आ गई थी, उसमें भी मैंने इसको चेक किया, तो अच्छा। उनका भी माइलेज बढ़ गया कुछ 30-40% के हिसाब से। और फिर 2018 में जब हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इसको थोड़ा बड़े लेवल पे टेस्टिंग होना चाहिए, तो हम लोगों ने इंडिया की काफी नामांकित एजेंसीज के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि उनका टेस्टिंग जो है वो ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए ही काफी सीमित है। तो फिर हम लोगों ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया कि हम लोग एजेंसीज के थ्रू इतना पैसा देके नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर वेरी यंग इन कंपनी इन इंडिया। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि कोई स्टार्टअप कॉम्पिटिशन आती है उसमें से हम पार्टिसिपेट करके कुछ पैसे कमाएं, और वो पैसे से हम लोग फिर अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों साथ में करें। तो इसका मतलब कि स्टार्टअप इंडिया के बारे में तब तक आप जान चुके थे और उसके बारे में स्टडी भी आपने किया होगा, उसके बाद ही IIM अहमदाबाद आप लोग गए? जी, 2016 में IIM अहमदाबाद गए थे। तो IIM अहमदाबाद का एक हर 3 साल में एक प्रतियोगिता होता है जिसका नाम है पावर ऑफ आइडियाज, और जब हमने उसके लिए अप्लाई किया तब हमारे हाथ में प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ एक आइडिया थी, एक स्केच था और एक विजन था कि ये हमारा प्रोडक्ट इस तरह से काम करेगा। बस वही आइडिया लेके मैं पहुंच गया CII IIM अहमदाबाद, और आउट ऑफ 19,000 एप्लीकेंट्स वी वर द फर्स्ट टॉप 75 फ्रॉम इंडिया टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस इवेंट। फिर क्या हुआ?
टॉप 75 में आने के बाद वहीं तो मैं बहुत खुश हो गया था. आउट ऑफ 19,000 हमें चुना गया है फॉर द टॉप 75, वो अपने आप में ही एक सक्सेस थी हमारे लिए. निश्चित रूप से. एंड तब हम लोग ये सोच नहीं रहे थे कि शायद हमें कुछ प्रतियोगिता में से पैसा मिलेगा या नहीं. वी वर जस्ट वेरी हैप्पी कि IIM अहमदाबाद के जो प्रोफेसर है, CII के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वहां से हमें बिजनेस के लिए और ज्यादा बूस्ट मिलेगा. जो हमें बिजनेस करने का नॉलेज है नहीं, हम तो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स है. अच्छा. लेकिन अगर हमें स्टार्टअप सही से चलाना है तो हमें मैनेजमेंट का भी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी नॉलेज होना जरूरी है. तो IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर्स और CII ने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी बुलाया था हमें ट्रेन करने के लिए. 2 हफ्ते का वो शिविर कह सकते हैं. तो वो करने के बाद जब फाइनल डे पे एक पिचिंग कॉम्पिटिशन होता है कि आउट ऑफ 75 एवरीवन विल यूज देयर स्टडीज एंड पिच देयर प्रेजेंटेशन बिजनेस प्लान टू द इन्वेस्टर्स और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. अच्छा. एंड कम्पीट ओवर देयर. सो फर्स्ट 20 गेट द प्राइस ऑफ एक्स अमाउंट, द नेक्स्ट 20 गेट्स द प्राइस ऑफ वाई अमाउंट, समथिंग लाइक दैट. एवरीवन इज अ विनर व्हेन यू गो टू IIM अहमदाबाद. अगर आपको पैसे के तौर पे नहीं मिलता है तो आपको ज्ञान तो बहुत ज्यादा आता है. निश्चित रूप से. जो IIM के प्रोफेसर से मिलेगा. वहीं पे हमें 5 लाख का इनाम मिला था जो सेकंड 20 को मिलता है. तो वो 5 लाख रुपया यूज करके हमें प्रोडक्ट को और बेहतर करने के लिए एक चांस मिल गया. और 2018 में ऐसी एक कॉम्पिटिशन थी, WRI इंडिया सपोर्टेड बाई FedEx. कॉम्पिटिशन का नाम था बेटर बस चैलेंज. इसमें क्या होता है, जो हमारे इंडिया के रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से जो बसेस है पब्लिक सर्विस में, वो बसेस को हम कैसे बेहतर बनाएं. तो आप उसका टिकटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हो, कंफर्टेबल सीट्स लगा सकते हो, उनके एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कम कर सकते हो, उसका फ्यूल बचा सकते हो या इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हो. ऐसा एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें हम वापस शॉर्टलिस्ट हुए. और वो भी एक 2 दिन का कैंप था जहाँ पे हमने अपना आइडिया प्रेजेंट किया. इंडिया के सारे रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वहाँ पे इकट्ठा आते हैं WRI इंडिया के ऑफिस में, और हम लोग उन्हें हमारे आइडिया के बारे में बताते हैं. अच्छा. जब उनको हमारा आइडिया पसंद आता है, समझ में आता है, तो वो कहते हैं कि हम ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. तो KSRTC ने, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने, ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया. अच्छा. उन्होंने बोला हमें ये बहुत पसंद आया और ये आइडिया हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. वहां पे हमें समझ में आ गया था कि वी हैव ऑलरेडी वन द कॉम्पिटिशन. और 2019 और 20 में वो इम्प्लीमेंट हुआ. हमने 10 गाड़ियों पे उनके फिल्टर लगा के दिया और उसको करीब करीब 1.5 लाख किलोमीटर तक हमने टेस्ट किया. अच्छा. तब हमें पता चला कि 1 लाख से 1.25 लाख किलोमीटर तक आपका फिल्टर खराब होना चालू होता है, क्योंकि रिपीट वॉशिंग होती रहती है फिल्टर की. और उसके बाद में 1.5 लाख किलोमीटर तक पूरा ही खराब हो जाता है, तो उसको कुछ यूज कर ही नहीं सकते. तो ये जो फिल्टर आपने लगाया वहाँ यूज किया बसों में, उससे एक तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो कितनी बढ़ी, कितने प्रतिशत तक बढ़ी, और जो एमिशन है उसका, जो धुआं निकलता है या प्रदूषण उससे होता है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई? ये तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने स्टडी किया होगा. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. सबसे कम फ्यूल एफिशिएंसी गेन था 6%. अच्छा. और मैक्सिमम गेन था 10%. और सारी 10 बसेस पे जो कार्बन रिडक्शन है वो था अबाउट 30 to 35%. एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, आई वॉज इंस्पायर्ड बाय PM ऑफ भूटान. अच्छा. उनका एक टेड टॉक सुना था मैंने, उनका नाम है शेरिंग टॉकपे. हाँ. तो उन्होंने कहा था 2008 में, उन्होंने कहा था कि COP15 में भूटान इज अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री. उन्होंने कहा था कि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, हमने बार बार लगातार हर साल हमने ये चीज बोला कि हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, बट फाइनली 2016 या 17 में उनकी बात सबने सुनी और उसके ऊपर अमल करना चालू किया. अच्छा. सारे देशों ने. अच्छा मयूर, आपने जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है उनसे भी तो संपर्क किया था, मेरा ख्याल है वहां से भी कुछ ग्रांट वगैरह आपको मिला, और खासतौर पे जो फाइबर प्रोसेसिंग का जो प्रॉब्लम आती है आपकी फिल्टर की मैन्युफैक्चरिंग में बनाने में, तो उससे हेल्प मिली थी आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट जो है उनका, हाँ, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. और हम लोग खुद बहुत ही खुशनसीब थे कि मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं और छोटी सी कंपनी है, फिर भी हमें इतना अच्छा सपोर्ट मिला वहाँ से, जो कभी पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे. कोई भी सोचता है कि अगर किसी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में काम करना है तो इसका मतलब है आपको बहुत ज्यादा फाइलें यहाँ वहाँ घुमानी है, बहुत सारे आपको सैंक्शंस लेने हैं, बहुत सारे सिग्नेचर्स लेने हैं, उसके बाद ही जाके कोई सोचेगा तो आपको फायदा
फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। एक जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है नीति आयोग जो ऑर्गेनाइज करता है, वो एक मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा माइलस्टोन था जहां आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें आपको एक अच्छा अमाउंट मिला था ग्रांट के रूप में। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या था वो? नीति आयोग के लिए भी स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट से हमने अप्लाई किया था। अच्छा। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को हमने खुद जाके अप्रोच किया था कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, इसके लिए आप क्या सपोर्ट कर सकते हो हमें बताइए। तो नीति आयोग के अंडर जो है अटल इनोवेशन मिशन और अटल न्यू इंडिया चैलेंज, जिसका था कि आप पॉल्यूशन रिडक्शन कर सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल में कुछ काम कर रहे हो, तो ऐसे सेक्टर्स का लिस्ट दिया था। अच्छा। तो जो स्मॉल स्पार्क कॉन्सेप्ट्स का शोल फिल्टर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए स्टार्टअप है। जी। किसी का स्टार्टअप है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी का स्टार्टअप है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वैसे वहाँ पे अप्लाई करने के बाद वो खुद उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि आपका स्टार्टअप ये मिनिस्ट्री को सूट करता है या नहीं। अगर हाँ तो आपका स्टार्टअप कितना अच्छा काम कर रहा है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उनके कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं जो वो चेकलिस्ट होती है, वो चेक करके फिर वो स्टार्टअप को चूज करते हैं कि ये स्टार्टअप को हम सपोर्ट करना चाहेंगे। अच्छा। वहीं से हमारा स्टार्टअप सिलेक्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे ही कहा था कि आपको 1 करोड़ तक का सपोर्ट मिल सकता है। अच्छा। तो हमने सोचा कि अगर 1 करोड़ तक का सपोर्ट मिलता है तो हमारा फैक्ट्री जल्दी शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए हमने अप्लाई किया था और बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट प्रोसेस हुआ अटल न्यू इंडिया चैलेंज में। सो अगले 6 महीने में बाकी सारे ट्रांचेस भी आ जाएंगे और हमारा लेबोरेटरी सेटअप खुद का इन हाउस हो जाएगा जहाँ पे हम खुद टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा। तो फिल्टर्स को बाहर देने की जरूरत नहीं है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में पुणे से मयूर पाटिल हमसे सीधे जुड़े हुए हैं फोन लाइन के जरिए। मयूर पाटिल वही हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में किया, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्टअप के जरिए एक बेहतरीन योगदान दिया है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, मुझे लगता है दुनिया के लिए भी होगा, क्योंकि ऐसा एयर फिल्टर इन्होंने बनाया है जो ईंधन की खपत को कम करता है और उससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है, तो इसलिए ये बहुत खास है। आइए मयूर से कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे थे उन दिनों में आपने, मैंने सुना कि एक गैरेज में भी काम किया, सेकंड ईयर में थे तब आप पूना में। जी जी जी। हाँ। ऐसा क्यों, क्या क्या आवश्यकता थी उसकी? आवश्यकता तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल चीजों को सीखना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। हम नोटबुक में, किताबों में तो हम सीखते ही है कि आपका ये कॉन्सेप्ट ऐसा करता है काम, वो कॉन्सेप्ट ऐसा काम करता है, लेकिन जब तक वो देखेंगे नहीं, जब तक उसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपरली सीख पाए हैं। बहुत सही बात है आपने। बस वो सीखने के लिए मैंने एक्सट्रीम मशीन ज्वाइन किया था, फरीज बाथेना जी का वर्कशॉप पुणे में। कितना समय आपने वहाँ काम किया? करीब करीब 1 साल। अच्छा। और सबसे बड़ा फायदा तो यही था कि आपको नॉलेज तो मिल ही रही है, लेकिन एक 2 पैसे निकल रहे हैं। हाँ। और थोड़ा पॉकेट मनी को भी। देखिए, पॉकेट मनी तो घर से मिलती होगी, लेकिन इतनी तो नहीं होती होगी कि आप इस तरह का कोई वेंचर शुरू कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा इससे सपोर्ट तो वहाँ से मिलता ही होगा। एक चीज इम्पोर्टेंट तो हाँ। ये भी था कि जो थोड़ा बहुत पैसा वहाँ से मिलता है टेम्पररी जॉब से, उससे प्रोजेक्ट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे पास कुछ पैसा आ जाए। हाँ, ये बात सच है। मुझे लगता है इसीलिए आपने गैरेज में तो काम किया ही किया, एक और स्टार्टअप कंपनी में सीनियर मैकेनिकल डिजाइनर भी आप रहे, एक जगह फ्लोर सुपरवाइजर भी रहे कंपनी में, और भी कई कंपनियों में आपने काम किया। तो उसका उद्देश्य यही रहा होगा कि भाई अनुभव भी प्राप्त करें और साथ में कुछ पैसा भी इकट्ठा हो सके, जिससे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को कर पाए ठीक से। मयूर, एक चीज जानने की उत्सुकता थी, क्योंकि स्टार्टअप्स के बारे में तो हम सुनते रहते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन ऑटो स्टार्टअप्स को लेकर अभी पता नहीं वो किस स्तर पर है अपने देश में। वैसे तो स्टार्टअप्स बहुत बेहतरीन, बल्कि भारत को ये माना जा रहा है कि अब ये स्टार्टअप्स का हब बन रहा है और दुनिया में स्टार्टअप्स को लेकर ये 3रे नंबर पर है। इतना ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ हुई है पिछले 2-3 सालों में, तो खासतौर पर हुई है, लेकिन ऑटो स्टार्टअप्स को लेकर क्या कोई खास तरह की चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, जिनको लगता है कि उनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है? जी बिल्कुल। ऑटोमोटिव स्टार्टअप्स में, जैसे स्टार्टअप इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स होता है हमारा, वो 2014 में हम कुछ, इंडिया वॉज 142nd पोजिशन, और लेकिन वही पिछले साल में 63rd पोजिशन पे आ गया, और 5.5 लाख से ज्यादा जॉब स्टार्टअप्स ने क्रिएट करी है इंडिया में। और दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट के थ्रू हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे गाइडेंस मिलता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती है जो स्टार्टअप्स को फायदा करे। बट एक दिक्कत ये आती है कि जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, जो बड़े कंपनीज है और जो
बड़ी कंपनीज तक स्टार्टअप्स को पहुंचना थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनका डेली प्रोडक्शन और डेली का काम बहुत ज्यादा होने के कारण वो स्टार्टअप्स को टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, ये एक दिक्कत हमने खुद महसूस की है, और चाहे इसे किस तरह से चेंज किया जाए वो हम अभी भी सोच ही रहे कि वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे फाइंड कनेक्शन बिटवीन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स। जो पिछला 1.5-2 साल का समय रहा है मयूर, वो मुझे जानना है, क्योंकि इसी बीच में ये सारे काम भी आप लोगों ने किए, और वो जो कोविड महामारी का दौर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चुनौतियां रही हैं, उसमें इस चीज को करने में भी आप लोगों ने भी कुछ खास तरह की चैलेंजेस या चुनौतियां महसूस की? जी, लास्ट ईयर लॉकडाउन में जब सब चीज बंद हो गई थी तो हमने सोचा कि हमारे पास में भी कंपनी में इतना पैसा भी नहीं था कि जो 6-8 महीने हम लोग यूटिलाइज कर सके। हमने सोचा कि आज दुनिया में क्या चलना चाहिए और क्या बिक रहा है मार्केट में, वो था मास्क। अच्छा, तो हमने 2 अलग कंपनीज के साथ में टाई अप, वो कंपनीज भी ढूंढ रही थी कोई कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप जिसके साथ में मास्क बनाया जाए, तो थोड़ा सा रिस्क भी शेयर हो जाएगा। अच्छा, इस चक्कर में उना की कंपनी और हिमाचल की कंपनी, ये 2 कंपनीज के साथ बातचीत हुई, और हमें भी मास्क बना के मार्केट में बेचना था, बिकॉज वैसे ही लॉकडाउन में सब ठप हो गया था, पता नहीं था, पूरा दिन नहीं निकलता था घर पे अकेले बैठे जी, तो उससे अच्छा तो कुछ डेवलप ही कर लो या तो कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर लो। बिल्कुल, हमने सोचा कि वी विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग कैंस्पिरेटर मास्क, एक तरीके का वीड होता है जो हिमाचल में पाया जाता है, और वो वीड को निकाल के उसके फाइबर्स एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस करके रॉ मटेरियल के तौर पे वो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो जब मुझे पता चला कि ये कुछ अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रहा है, तो फिर हमने सोचा कि अगर हम लोग हेम्प का फैब्रिक यूज करेंगे जो नेचुरली एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीवायरल है, तो वो यूज करेंगे तो वी विल बी एबल टू किल द कोरोना वायरस ऑन द फैब्रिक इटसेल्फ। बहुत अच्छी बात। उसके बाद अगर हम नेगेटिव आयंस जनरेट करने वाला शोल एयर फिल्टर का क्लॉथ यूज करेंगे तो नेगेटिव आयंस हैज गुड हेल्थ बेनिफिट्स ऑल्सो। बिल्कुल, इस तरीके से हमने 4 लेयर का एक मास्क बनाया कैंस्पिरेटर। ये मास्क के पीछे हमने करीब तो मास्क का आइडिया तो बन गया, डिजाइन बन गया, लेकिन उसे मैन्युफैक्चर कैसा करना चाहिए, तो हमने सोचा कि हमारे पास में सुई मशीन तो है नहीं, ना हमें वो टेलर का काम आता है जी, तो क्या करना चाहिए। तो हमने इसे एक सेवाभावी संस्थाओं से कॉन्टेक्ट किया जो कारीगर होते हैं, टेलर्स होते हैं, जो अभी लॉकडाउन के टाइम पे घर पे खाली बैठे हैं, जिनको टेलरिंग का काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं कमाएंगे, तो खुद के फैमिलीज को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसे सेवाभावी संस्थाओं से हमने जब कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बताया हमारा ऐसा ऐसा आइडिया है, ये हमें मैन्युफैक्चर करना है, और अगर आप अपने कारीगरों से हमें ये मैन्युफैक्चर करके दे तो सबका फायदा ही है इसमें। तो वैसे करीब करीब 300 से ज्यादा कारीगरों को काम मिला पिछले लॉकडाउन में, क्या बात है, सिर्फ मास्क मैन्युफैक्चर करने का। कुछ कारीगर थे कच्छ में, गुजरात के कच्छ में थे, जो आर्टिसंस के लिए और कारीगरों के लिए बहुत ही फेमस जगह है इंडिया में। बिल्कुल, कुछ कारीगर थे सहारनपुर में और कुछ कारीगर थे पूना में। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है मयूर, आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, और आपकी इस बातचीत से मुझे लगता है बहुत सारे हमारे युवा साथियों को भी प्रेरणा मिलेगी। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया और ये बातचीत हमारे साथ की आपने। आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन अ कॉल विद यू सर। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हमने मयूर से बात की जिनके स्टार्टअप को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। स्वाभाविक सी बात है कि जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होता है जिस पर लोग काम करते हैं, तो एक व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसकी एक टीम होती है, उसके साथ के लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, और एक पूरा सिस्टम होता है वो उसके सपोर्ट में खड़ा होता है, जिस तरह से स्टार्टअप का एक सिस्टम देश में विकसित हुआ है। मयूर के साथ फरीस माथेना कई तरह से उनका सपोर्ट रहा है, उनकी भूमिका रही है, और उनसे हम इस समय बातचीत करने जा रहे हैं। मिस्टर फरीस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, हैप्पी टू बी हियर सर। ये बताइए कि आप मयूर से कैसे कनेक्ट हुए, कैसे जुड़े, क्योंकि आपकी तो पैदाइश जो है, आपका जो लालन पालन है, यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मस्कट आई थिंक, एंड यू स्टडीड MBA इन वेल्स, आपका कनेक्ट कैसे हुआ मयूर से? सर, मेरे पास व्हेन आई वाज वेरी यंग, मैंने आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ मोटरसाइकल्स, आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर सिंस मेनी मेनी इयर्स। अच्छा, कॉमन फैक्टर मैं समझ सकता हूँ कि बाइकिंग जो है वो आपके सबके बीच में कॉमन फैक्टर है।
Yes, sir, definitely. जी Definitely. I had a workshop many years back under the name of Extreme Machines. Mayur was one of my trainee technicians. He has learned the ropes right from the ground upwards. So Mayur is not a person who's just been given anything on a platter. He has worked with me for 1 year and he's learned everything right from ground up. So basically I taught him how to start right from servicing to cleaning the workshop to tools organization. सब कुछ फ्लोर भी कैसा साफ रहना चाहिए कस्टमर से इंटरेक्शन कैसा करना चाहिए एवरीथिंग वाज टॉट स्टेप बाय स्टेप सर तो ये वर्कशॉप आपकी पुणे में ही है यस सर वर्कशॉप पुणे में है सर और आई थिंक मयूर उस समय मयूर ने हमारी बातचीत जब हो रही थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि सेकंड ईयर में थे जब वो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे यस आई हैव डन माय ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मयूर हैज डन हिज मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो उस पीरियड में वो आपके वर्कशॉप में आकर काम किया कितना लंबा टाइम काम किया कितना टाइम एक पूरा साल के लिए सर अच्छा तो आपको लगता है और मुझे भी खैर ये बात तो तय है कि जो इस तरह का ट्रेनिंग है या इस तरह का एक्सपीरियंस है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो yes. आगे चलकर बहुत काम आता है आई थिंक इस तरह के प्रोजेक्ट में एब्सोल्युटली सर एब्सोल्युटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के तारीख में फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू नॉट जस्ट लर्न एन एमबीए एमबीए यू नो हजार लोग कर रहे हैं एमबीए बट टू प्रॉपर एंटरप्रेन्योर इज द वन हु हैज लर्न फ्रॉम ग्राउंड अप Especially abhi ye automobile technology, somebody who's worked with the vehicle, somebody who's learnt in all different forms, like experimenting also, talking to customers also, customer interaction, pre-delivery inspections, what do customers expect. Jee. So there are a lot of gaps in the system. To bridge these gaps, that is where I have also excelled in and that's where we have come with our workshop today. So Fariz, aap vyaktigat roop se itne nazdeek hi rahe hain Mayur ke. Mayur ko aap as a person kis roop mein dekhte hain? क्या कुछ चीजें हैं जो इतना एक इन्वॉल्वमेंट और पैशन और डेडिकेशन के साथ ये जो पूरी जर्नी रही है अभी तक की और अभी आगे अभी तो कहते हैं ना कि पूरा आसमान बाकी है अभी वहां तक जाना है तो कैसा yes, देखते हैं आप मयूर को सर हिज फ्यूचर इज वेरी ब्राइट बिकॉज आई टेल यू ही इज अ पर्सन हु इज पैशन ड्रिवन सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वे टू गो टू वर्क सर वन इज गोइंग फॉर अ जॉब 96 और दूसरा है पैशन फ्यूल्ड समबडी हु इज पैशन फ्यूल्ड ये पर्सन जो है हु इज पैशन ड्रिवन उसका फर्स्ट थिंग फर्स्ट टाइमिंग्स नहीं रहते सबसे पहली बात द वर्क इज ऑलवेज पुट ऑन अ प्रायोरिटी डज नॉट मीन दैट फैमिली लाइफ शुड कम सेकंड इसका मतलब वो नहीं है बट देयर हैज टू बी समथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस मयूर हैज एक्चुअली डन दैट ऑल्सो वेरी वेल वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई हैव अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव ट्रेंड और वेरी फ्यू ऑफ देम आर वेरी हार्ड वर्किंग अच्छा एक चीज चूंकि आप देश विदेश में आते जाते रहते हैं और आप इस प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं इस रूप में जो स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम है जो देश में शुरू हुआ ये अलग yes. तरह की एक स्कीम थी 2016 में प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी yes. विदेशों में भी ये चीजें होती है लेकिन यहाँ इंडिया में अगर हम देखें पहले इस तरह की कोई बातचीत नहीं होती थी फरीज हाँ कुछ ज्यादा चर्चा नहीं होती थी तो बहुत से लोगों को तो लगता ही नहीं था उनको लगता था एक ही उनके लाइफ में चीज हो सकती है वो नौकरी हो सकती है आज वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं कितने लोगों को वो जॉब दे रहे हैं तो ये जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम यहाँ तैयार हुआ है उसको आप किस तरह देखते हैं As you rightly said, बहुत साल पहले there was no talk about this. सब लोग खाली job करता था Parents wanted an engineer or doctor या lawyer. एक घर में everyone's typical thought processes and expectation was that over the years since our technology has evolved so much and so fast and so drastic it is going to further change over the next 3-4 years I feel that jo aadmi log prepare nahi hai they will be left out of the race you know Bilkul. and startup india has really proven to be a successful platform for people who have come up with an idea to conceptualize this idea you know the Government has really facilitated the startup India very well, sir. Hmm. I can tell you this much. बिल्कुल ये इसी से देखिए अब यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ गई स्टार्टअप्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है देश में एंड नाउ आई थिंक आज भारत जो है पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है स्टार्टअप्स को लेकर जिस तरह से काम yes, हो रहा that is correct, correct. तो थैंक यू सो मच मिस्टर फरीज बात करने के लिए और जो सपोर्ट आप करा है मयूर के लिए मुझे लगता है और भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे जुड़े हैं आपसे इंस्पिरेशन मिलेगा उनको डेफिनेटली सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू तो फरीज बाधेना से हमने बात की श्रोताओं और फरीज के बाद मयूर के एक और साथी जिन्होंने साथ साथ काम किया दरअसल कॉलेज में भी एक साथ रहे वो हाँ सीनियर जूनियर जरूर थे अक्षय डॉलर्स आइए उनसे भी हम बात करते हैं अक्षय बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में
थैंक यू सर। इस समय एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो किस रूप में आप इस प्रोडक्ट के या इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े रहे हैं, आपका रोल क्या रहा है इसमें? सर मेरा पोस्ट बताना चाहूँ कंपनी में तो मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ। जब तक प्रोडक्ट बना नहीं था तब मेरा काम था प्रोडक्ट को डेवलप करना। अच्छा। और अब मेरा काम शिफ्ट होके बन गया है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से करना। तो आप मयूर के साथ कब से जुड़े हुए हैं, आप लोग कब से एक साथ काम कर रहे हैं? मयूर मेरा कॉलेज सीनियर है, 2 साल सीनियर है वो मेरे। अच्छा। तो हम 2011 से साथ में जुड़े हुए हैं किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे। ये जो प्रोजेक्ट था मयूर ने मुझसे बताया था कि 2015 की बात है ये। हाँ। कि ऐसा कुछ एयर फिल्टर बना सकते हैं। एक बार मैंने कुछ ग्रांट के लिए अप्लाई किया है, अगर वो आ गया तो हम फुल टाइम ये काम करेंगे, यही प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। अच्छा। तो हमें IIM अहमदाबाद का एक ग्रांट मिल गया, उसके बाद हमने जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया। कुछ 8 महीने लगे प्रोडक्ट की शक्ल ठीक करने के लिए, ताकि उसको हम किसी और को दिखा सके, नहीं तो हम खुद ही टेस्ट करे जा रहे थे जी। तो जब प्रोडक्ट की शक्ल ठीक हुई तो हमें खुद ही टेस्ट करना था, तो हमने 7,500 किलोमीटर गाड़ियां चला के पेट्रोल और डीजल दोस्तों की बोरो करके अच्छा। हमने गाड़ियां टेस्ट करी। तो वहां पे एक अच्छी चीज होती थी कि हमें लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलने का अवसर मिलता था। बिल्कुल, आप एंजॉय भी करते थे पर काम भी साथ में हो रहा था। काम भी साथ में होता था, और हमारी एक कंस्ट्रेंट था कि हमें 4 लोग को बिठा के गाड़ी चलाना है। अच्छा, गाड़ी फुल लोड पे चलनी चाहिए। ये आपका एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था? ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था कि 2 लोग गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी जो फुल लोड लेती है उतना पूरा लोड डालना है और गाड़ी को ले जाना है। तो इससे उसकी फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन के जो स्थिति होती है उसको सही ढंग से आप पकड़ पाते हैं इससे? जी जी, हमारा पहला तो काम ये था कि खुद की गाड़ी कैसे बचाए, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में अगर गाड़ी खराब हो गई तो हम आगे टेस्ट नहीं कर पाएंगे। जी। और हमारे पास उतने पैसे थे नहीं कि हम कुछ और कर ले, गाड़ी को रिपेयर करके कुछ और कर ले। वैसे तो एक बात है कि अगर 3,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो उसके लिए भी तो पैसे की जरूरत रहती है अक्षय, वो भी मैनेज करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। तो वही अच्छी बात थी कि हमें ग्रांट मिल गया था। अच्छा। और तो फ्यूल प्राइसेस भी इतने नहीं थे पेट्रोल डीजल के, तो संभल जाता था। बिल्कुल। ये जो पूरा प्रोसेस अभी तक का रहा है, जो स्टार्टअप की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसको लेकर आपका क्या अनुभव है? स्टार्टअप इंडिया का सर शुरुआत से ही साथ रहा है। 2015 में प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग शुरू कर दी थी और तभी स्टार्टअप इंडिया अनाउंस हो गया था। जी। तो हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अभी इसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं, वहां से भी कुछ खुलेगा। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने तो टेस्ट कर लिया, हम बाहर से कैसे टेस्ट करवाए इस प्रोडक्ट को अभी। तो हम ये ढूंढने में लग गए कि हमें कोई टेस्टिंग का सपोर्ट मिल जाए स्टार्टअप इंडिया के थ्रू। तो वहीं से स्कीम्स खुलती गई, कुछ चीजें सामने आती गई। हमें ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI के बारे में समझ में आया, वहां पे टेस्टिंग होती है। फिर और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, वहां पे टेस्टिंग हो सकती है। फिर हमने उसकी कॉस्ट निकाली, फिर देखा कि इस कॉस्ट को कोई दे सकता है क्या हमारी ओर से। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने मदद की कि प्रोडक्ट को और ढंग से डेवलप करें और टेस्ट के वो काबिल बनाए। तो हमें एक चीज पता चली थी कि अगर हमें प्रोडक्ट टेस्ट करना है तो हमें गवर्नमेंट के साथ ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल, जो उनकी स्कीम्स है। अच्छा, स्टार्टअप के अंतर्गत बहुत सारी चीजें जो है बहुत सरल कर दी गई, सिंपल हो गई चीजें, जो प्रक्रियाएं थी उसकी तो काफी मुझे लगता है कि इससे आसानी भी हुई। स्टार्टअप इंडिया की जो ये योजना, ये कार्यक्रम शुरू हुआ अक्षय, इसको लेकर आप क्या, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं और वो बार बार इस बात के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आप जॉब सीकर्स की बजाय जॉब क्रिएटर्स बने, स्टार्टअप उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, इसका फ्यूचर में क्या रोल देखते हैं, क्या जगह देखते हैं स्टार्टअप इंडिया को? सर, स्टार्टअप इंडिया जिस तेजी से बढ़ रहा है और स्टार्टअप का जो सोच है युवाओं में इतनी तेजी से फैल रहा है, प्रधानमंत्री का जो इंटेंशन था, उद्देश्य था, वो तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और इस चीज को लेके है ना, हमारी तो अलग बात है हम युवाओं में, बट हमारे जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, उनकी सोच में भी तब्दीली आने लगी है। तो वो रोकते नहीं है जो पहले रुकावटें आ रही थी। जी जी जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अक्षय, आप लोग एक पूरी टीम की तरह काम कर रहे हैं और एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप लोगों की ऊर्जा से वाकई दूसरों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। मयूर से बहुत विस्तार से इस पूरी यात्रा के बारे में बात हुई है और आपसे भी जुड़ने का मौका मिला, बहुत खुशी होती है। और आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी गुड विशेस अक्षय। थैंक यू सर। और श्रोताओं, अब मुझे यानी जैनेन्द्र को भी अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।